नसरुल्लागंज तहसील के लाड़कोई वन परिक्षेत्र के बिलाखेड़ा गांव के जंगल में अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे वन माफियाओं को पकड़ने के लिए पहुंची वन रक्षक के साथ मारपीट की गई। इसमें महिला वन रक्षक व सुरक्षा श्रमिक शामिल हैं। माफिया जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला वन रक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार लाड़कोई वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम भिलाई नाके पर तैनात वन रक्षक फरियादी सना परवीन प्रतिदिन की तरह भिलाई नाके पर ड्यूटी कर रही थी। गुरुवार की देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि जंगल में कोई व्यक्ति सागौन की सिल्ली ले जा रहा है। सूचना पर वन नाका भिलाई से सुरक्षा श्रमिक सचिन पैठारी व मनोज पैठारी के साथ गांव बिलाखेड़ा के कक्ष क्रमांक 454 पहुंचे तो वहां पर मौजूद हरि सिंह बारेला निवासी भूरा खेड़ा व अन्य 8-9 व्यक्ति सागौन की सिल्ली ले जा रहे थे। जब सचिन व मनोज ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो हरि सिंह ने मनोज के सीने पर लात मारी और पत्थर से उसके शरीर पर चोट पहुंचाई। अवैध लकड़ियां पकड़ ली और मारपीट भी, क्या मामला है? पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है कि भिलाई बीट के कक्ष क्रमांक 454 में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी अवैध लकड़ी का परिवहन करना का प्रयास कर रहे हैं और सूचना कुछ इस प्रकार की थी कि 10 मिनट के अंदर माल को बाहर कर दिया जाएगा। भिलाई बीट की प्रभारी सुश्री सना परवीन, जिनको अभी आए अधिक समय नहीं हुआ है, इन्होंने तत्परता से अपने वहाँ के चौकीदार हैं सचिन पेठारी और मनोज पेठारी, इन दोनों को तत्काल साथ लेकर और घटनास्थल को रवाना हुए और वहाँ पर जाकर अंदाजा था कि कुछ परिवहन करते मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर दृश्य कुछ इस प्रकार का निकल के आया कि वहाँ पर 10-12 लोगों का होना का अंदेशा हुआ। इन लोगों के द्वारा ललकारा गया, लेकिन इस बीच में उन्हीं में से एक अपराधी ने आकर झूमा झटकी शुरू कर दी। इस झूमा झटकी के चलते जब इन लोगों का प्रतिकार किया गया और संख्या बल कम होने का अंदाज होने पर इन लोगों ने अपना ऐसा कार्रवाई अन्य स्टाफ को फोन करना ये करने कार्रवाई की। इस बीच के अंदर माल जब्ती के प्रयास के दौरान अपराधियों के द्वारा कुछ पत्थरबाजी करना शुरू कर दी गई। उस पत्थरबाजी के तहत हमारा एक सुरक्षा श्रमिक है श्री सचिन पेठारी, उसको सिर में चोट आई है और हमारी सना मैडम को भी कंधों में और या कोनी पे पत्थर लगे हैं और जिसकी त्वरित पूरे स्टाफ को खबर करने पे पूरा स्टाफ विद इन हाफ आवर पहुँच गया वहाँ पर और उसके पश्चात जब्ती कार्रवाई करके और वापस आकर और पुलिस थाने में इसकी कायमी कराई गई। उसमें एक मुलजिम की निशानदेही हुई है, उसका नाम श्री हरि सिंह बारेला के रूप में हुई है। उसके अन्य और साथी थे जिनके बारे में और तस्दीक करके पता किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो वन माफिया के इस प्रकार का वनों के अपराध के प्रति, अतिक्रमण के प्रति और कटाई के प्रति जो चल रहा है उसमें सख्त सजा मिले अपराधी को। यह प्रयास वन विकास निगम का रहेगा, इस प्रकार का प्रयास हम पूरा टीम के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो लकड़ियाँ पकड़ाई है वो कितने घंटे और कितने की उपलब्ध? हाँ, ये जो लकड़ी पकड़ी है वो 25 नग चरपट पकड़ाए हैं, 25 नग है और उसके अंदर 0.650 अबाउट CFD है उसका, वो लगभग 30,000 के आसपास का उसका वैल्यू है। और हमारा प्रयास ये था कि उनके वाहन को भी पकड़ें, लेकिन वाहन उनका पहुंचा नहीं वहाँ पर और हम लोग मुखबिर के द्वारा पता कर रहे हैं कौन सा वाहन आने वाला था और उसकी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वाहन भी सामने प्रस्तुत किया जाएगा और अपराधियों को बेनकाब किया जाएगा। सना परवीन, बीट प्रभारी भिलाई। मैडम, कल रात्रि की जो घटना हुई इसके बारे में बताएंगे? सर, जैसा कि मेरा जो सुरक्षा श्रमिक है सचिन पेठारी, उसके द्वारा मुझे मतलब उसको जो भी हमारे वो रहते हैं मुखबिर तंत्र, उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि वहाँ से जो सिरबोझ वाले हैं वो लकड़ी काटने का प्रयास कर रहे हैं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने मुझे कॉल किया और बताया मुझे कि मैडम जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वो लोग, उसको ये अंदाज़ा था कि वो सिरबोझ वाले हैं या फिर साइकिल से ले जाने की कोशिश कर रही है।
तो उसने मुझे ये बोला कि मैम विद इन 10 मिनट या आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तो उस टाइम मेरे पास टाइमिंग बहुत कम था, तो फिर मुझे मैंने अपने अधिकारियों को इन्फॉर्म करने की वजह ये सोचा कि वो लोग 2-4 होंगे या इस टाइप से, जो भी एस्टिमेशन लगाया कि ज़्यादा नहीं होंगे तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सुरक्षा श्रमिक वहाँ पे 2-3 मौजूद थे। तो फिर मैं तत्काल वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ पे फिर हमने जैसे ही मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक मिल भी गया वहाँ पे, जो भी लकड़ी वाला था। तो हम उसके साथ फिर मेरे सुरक्षा श्रमिक की हाथापाई हो गई, उसने मुझसे भी मतलब अटैक करने की कोशिश की, तो मेरे सुरक्षा श्रमिक ने मुझे मेरा बचाव किया। फिर उससे जब हाथापाई होने लगी और फिर जो उनके जितने भी साथी थे वो लोग जंगल में छुपे हुए थे, हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो करीब होंगे सर 20 से 25 के करीब होंगे। जब वहाँ से पथराव आना चालू हुए तो हमें इस बात का अंदाज़ा मिला कि वहाँ पर लोगों की संख्या इतनी है। फिर मैंने जैसे तैसे इन लोग को वहाँ वो तो छूट गया जो हरी सिंह बारेला की पहचान की गई वहाँ पर, फिर वो भी चला गया क्योंकि हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि जैसे भी हो जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर हम तुरंत वहाँ से ये घटना कितने बजे की हुई सर? ये 10:30 से 11 बजे की। 10:30 से 11 बजे यानी आप अपने 2-3 सुरक्षा श्रमिकों को साथ लेकर और जंगल के अंदर पहुंच गए? जी जी। मेरे आपसे पूछना यह है मैडम कि जिस समय आप जंगल की ओर जा रहे थे, आपको जब ये सूचना मिली कि यहाँ पर सागौन तस्कर जो है सागौन की तस्करी कर रहे हैं जी, तो आपके मन में डर नहीं आया? सर डर कुछ नहीं था, बस ये था कि हमें बस उनको कैसे भी करके पकड़ना है। सर उस टाइम तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास सुरक्षा के लिए अगर आप पर अटैक हुआ उस समय आपके पास सुरक्षा के लिए क्या, जैसे हथियार और सेफ्टी के लिए रहते हैं, आपके पास क्या चीज़ें मौजूद थी? सर कुछ भी नहीं था। तो आप एक अकेली लड़की होकर जो है माफियाओं के बीच में और वो भी रात के अंधेरे में, जिस तरीके से आपने एक बहादुरी का जो कार्य किया है और तकरीबन आप बता रहे हैं इनकी संख्या 12-15 तक तकरीबन होगी जी, और इतने लोगों के बीच में एक आप अकेले का और सुरक्षा श्रमिकों के साथ लेकर जाकर और इस मतलब माफियाओं के बीच में कूदना, मेरे हिसाब से ये जो आपकी ये जंप है ये बहुत बड़ी जंप हो चुकी है क्षेत्र के लिए। ये बड़ी घटना है कि किसी महिला वन रक्षक के द्वारा ऐसी एक निडर होकर जो कार्रवाई की गई है जी। तो आपको उस समय कैसा लगा? सर बस मेरे माइंड में उस टाइम कुछ नहीं था, बस ये था क्योंकि सर दिन पर दिन जो अतिक्रमण वगैरह और इस टाइप से जो घटनाएं सुनने में आ रही है, तो बस सिर्फ माइंड ये सेट हो चुका था कि अब हमें उनको कैसे भी करके बस हमारे हाथ लग जाए। मतलब हमने पूरी कोशिश, आपने अपना ड्यूटी के टाइम पे जो एक लक्ष्य बनाकर रखा है कि सिर्फ पर्यावरण को बचाना, वनों को बचाना जी। तो इस तरह की कार्रवाई जो है आपके स्टाफ के द्वारा भी पहले भी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूरा स्टाफ होता था, लेकिन आपने एक अकेले ने जो बहादुरी का जो कार्य किया है यहाँ पर छह लाड़कू क्षेत्र के लिए भी एक मिसाल की बात है ये, कि जिस तरह से एक अकेली महिला वन रक्षक माफियाओं के बीच में पहुँचना और वो भी निडरता और बिना हथियार के, तो आपके मन में जरा सा भी शंका नहीं है, वैसे शंका नहीं हुई कि यार इस बीच में जाने में मेरी जान को खतरा हो सकता है? सर एट दैट टाइम तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बस मुझे अपने सुरक्षा श्रमिक पे इतना ट्रस्ट है, विश्वास है कि हाँ बस उन्हीं के बल पे मैं वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने मुझे टाइम का जैसा बोला कि मैम आप जितनी जल्दी 10 मिनट में आ जाएँ, 5 मिनट में आ जाएँ, बस जैसे भी आ सकें, तो बस मैंने उस टाइम जो भी माइंड सेट बना उस हिसाब से। तो ये क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब जाकर आप जैसी बहादुर निडर जो है महिला है जहाँ पर वन रक्षक के पद पे हैं, तो लगातार इस तरह से जो सागौन के माफिया हैं उन लोगों को इसी तरह से जो है मात मिलेगी और लगातार कार्रवाई होंगी? जी जी बिल्कुल, मैं अपना 100% देने के लिए हमेशा 24/7 हमेशा रेडी रहूँगी इस बात के लिए आगे भी। और अच्छा, यही इन सब घटना के बाद जब आपको अपने उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिला है? बिल्कुल सर, 30 मिनट्स के अंदर सारे जितने भी हमारे स्टाफ थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, सब वहाँ पर पहुँच चुके थे मौके पर। वो जितने भी डिस्टेंस पे थे लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और सभी वहाँ पर मौजूद थे मेरे साथ में। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी जंगल में भाग गया। इस दौरान वहां पर मौजूद अन्य 8-9 लोगों ने गालियां देकर पत्थर से हमला किया और मारपीट की, जिससे सना परवीन गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि मामले की सूचना पुलिस को दी गई या हमें रोकने का प्रयास किया तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नसरुल्लागंज से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश।
अगर अब तक आपने टाइम इन मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।